हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के साथ अगले एक नए स्टेट की जिसने अपनी मेरिट लिस्ट निकाल दी है, रिलीज़ कर दी है, उसके बारे में बताने वाला हूँ और उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो चलिएगा शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो भाई, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने ब्राउज़र में dme.assam.gov.in डालना है और ये उनकी जो MBBS और BDS उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट इनकी है आसाम स्टेट की। ये मैंने आपको आज सुबह वाली वीडियो में भी इसका जिक्र करा था और इससे आपको मैंने जो स्पेशल कोटाज हैं उनको उनके लिए अप्लाई करने वाला फॉर्म, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने 12 स्पेशल जो कोटाज होते हैं उनको क्लेम कैसे करना है वो बताया हुआ है। उसके अलावा हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को, आज की मॉर्निंग वाली वीडियो को, उसको देख सकते हैं। तो गाइस, आप जैसे ही नोटिस एंड ऑर्डर्स पर क्लिक करते हैं इस वेबसाइट में, आपको नीचे जाके ऐसा पेज खुलेगा और उसमें टाइटल लिखा होगा। तो इसमें टाइटल में सबसे ऊपर वाला टॉपिक है एजुकेशन नोटिस कोटा क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म MBBS BDS कोर्सेज सेशन 2019 बता दिया था, उसके लिए वाली वीडियो देखें और अपने कोटा को क्लेम करें। सेकंड नंबर पर आसाम स्टेट मेरिट लिस्ट नीट UG 2019, आपको इस पर ही क्लिक करना है और जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो आपको ये मेरिट लिस्ट दिखाई देगी। इसमें आप अपना रैंक और इसमें अपना रोल नंबर सब अपना चेक करके अपनी रैंक और मार्क्स इससे पता लगा सकते हैं। बट अब इसमें होता क्या है, जैसे ही मेरिट लिस्ट आसाम स्टेट NTA ने जो आसाम स्टेट को प्रोवाइड कराई है, उसमें जब आपने अपना फॉर्म भरा होगा तो आपको याद होगा आपने उसमें अपना स्टेट डोमिसाइल आपने भरा था कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो NTA सभी स्टेट्स को सॉर्ट करके वो दे देता है। बट अब होता क्या है, इसमें अगर इसमें आपका नाम नहीं आया है मेरिट लिस्ट में तो आपके थोड़े बहुत चांसेस तब बढ़ जाते हैं जैसे कोई स्टूडेंट अपना डोमिसाइल नहीं प्रोवाइड करा पाता, अब वो शो नहीं करा पाता एडमिशन के टाइम पर, काउंसलिंग के टाइम पर, तो उसका नाम इस लिस्ट से हट जाता है। फिर एक फ़ाइनल लिस्ट तैयार होती है। तो वाइज जब फाइनल लिस्ट आएगी उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जो सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो, आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस, इसके अलावा मैंने सुबह जो स्पेशल कोटास के बारे में बात करी थी उसमें कुछ स्पेशल कोटास आसाम स्टेट हैं, और अगर आप 85% स्टेट कोटा के लिए उनको क्लेम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये काउंसलिंग के फॉर्म नहीं है, वो फॉर्म ओनली कोटा क्लेम करने के लिए है। उसके अलावा 19 तारीख से MCC के भी काउंसलिंग के फॉर्म आ जाएंगे, और जो कोटा वाला क्लेम करने के लिए उसकी लास्ट डेट भी 19 तारीख ही है। तो गाइस, आप हमारे साथ बने रहिए, कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।